this is Physical Horo, and I'm part of the World Sindhi Congress. And today we're here for the National Self-Determination of Oppressed Nations in Pakistan. मेरा नाम रोहित बसम कुलहोड़ो है. मैं पीटरब्रो से आई हुई हूँ टोरंटो में, और आज हमारे पास यहाँ पे हम पाकिस्तान की ऑप्रेस्ड नेशन के लिए, उनकी फेवर में, उनके राइट्स के लिए बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. और मुझे बहुत खुशी हुई कि तमाम ऑप्रेस्ड नेशन, चारों सूबों के वो लोग जो कि अपने साथ ज़्यादती जो है वो समझ रहे हैं कि हो रही है, और उस अपने हकूक़ और अपने फ़राइज़ की जंग में सुरखरू होते हुए आए हैं, ऐसे तमाम लोगों के इकट्ठा होने पर मैं वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस को मुबारकबाद भी पेश करूंगी, और टोरंटो की कम्युनिटी को सलाम है. उन लोगों ने अपने बहुत कीमती वक्त सर वक्त निकाला और यहाँ आकर हमारे इस खूबसूरत कार्य खैर में शरीक हुए. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच टैग टीवी. और मेरा नाम बसीन नवीद है, मैं हांगकॉन्ग में रहता हूँ, बल्कि मुझे वहाँ भेजा गया, मतलब फेंक दिया गया है. और मैं यहाँ, इन्होंने बुलाया है वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने, और ये पूरी जो मीटिंग है इसका उन्वान है कि जो मज़लूम कौमें हैं पाकिस्तान की, उनके दरमियान कोई एक ऐसे रब्त कायम किया जाए कि मज़लूम कौमें जो हैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ सके. और ये अलहदा अलहदा लड़ाई में, और फिर इनके दरमियान नफ़रतों की वजह से, कि ऐसी नफ़रतें या एक दूसरे को समझते हैं कि ये सारी कौमें जो हैं, ये इसकी निगेशन की जाती है हमारे पास, हमारे मुल्क में, और वो कह दिया जाता है कि पाकिस्तान एक कौम है. जबकि हम अपनी इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जैसे पहले और लोग कॉन्फ्रेंस करके करते रहे, ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आबाद हैं कौमें, वो सदियों पुरानी, हज़ारों सालों की उनकी सकाफत है, विरासत है, उनकी एक तारीख है, उनकी सिविलाइजेशंस है. अब उसको निगेट करके कोई किसी तरीके से बालादस्ती कायम की जाए, और यही पाकिस्तान में हो रहा है कि इख्तियारात का तमाम इर्तकाज जो है वो एक फ़ौज के पास है या इस्टेब्लिशमेंट के पास है, जो कौमों की निगेशन करती है. और वो चूँकि पंजाब के कि जो है डोमिनेशन को कायम रखते हैं, और फ़ौज भी पंजाब से होती है, इसलिए वो बलोचों के, सिंधियों के, पख्तूनों के, सराइकियों के, और ख़ुद पंजाबियों के, इन सब के जो हुकूक हैं उनका वो गसब करती है. तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये अगर एक मुत्तहद रह के और अपने राइट्स के लिए लड़ा जाए, और वो सारे राइट्स लिए जाएं. थैंक यू वेरी मच. हेलो जी, मेरा नाम आसिफ उमर है, मैं वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस से वाबस्ता हूँ और वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के कनाडा का ऑर्गेनाइज़र हूँ. ये जो हमने आज सेमिनार का इनेकाद किया है, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेस नेशन पाकिस्तान, इसका मकसद ये है कि जो ऑपरेस नेशन हैं, सिंधी, पख्तून, बलोच, सराइकी, और हमारे एक वेस्टर्न बलूचिस्तान से भी सनादर बलोच ने ज्वाइन किया है. इसका मकसद ये है कि हम अपनी जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो हम बयान कर सकें, और कलेक्टिवली हम ये मैसेज धरी दुनिया को दे सकें कि हम सपोर्ट करते हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को. ये एक यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल की के आर्टिकल 1 की हमारा राइट है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. सो इस वजह से हमने ये एक एजुकेशनल एडवोकेसी ये प्रोग्राम बनाया है कि हम सारे मिल बैठ कर इस पर हम बात कर सकें. मेहरबानी. मेरा नाम हाजन कलोड़ो है, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का. हमने ये सेमिनार मुनक़द कराया है यहाँ कि जो पाकिस्तान में अप्रेस नेशन है, उनके फ्यूचर के लिए कि क्या लाइन ऑफ एक्शन हो, ताकि हम इस अपनी कौमों को इन जुल्म से, ज़्यादतियों से निजात दिला सकें. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरे लोगों से भी सीखें, जिसमें हमारे साथ यहाँ पश्तून, बलोच, कश्मीरी, सराइकी, और बलोच जो ईरान साइड से हैं वो भी हमारे साथ हैं, वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और हम ये जो है ना, इसके लिए कोई ना कोई हल निकालें, ताकि हम लोग अपनी कौमों के लिए, उनकी खुशहाली, उनकी आज आज़ादी के लिए कोई राह निकालें. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद तारिक है. मैं यहाँ सराइकी वसीयत का नुमाइंदगी की है सिंधी कांग्रेस में, वर्ल्ड कांग्रेस में, और मुझे बहुत अच्छा लगा है. आई एम सो थैंकफुल टू यू, द ऑर्गेनाइजर एंड एवरीबॉडी, यू लेट अस टॉक अबाउट द सराइकी वसीयत एंड देयर इश्यूज़.
तो मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ सवैकी संगत ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट, तो उसके हवाले से मैंने बात की है। मुझे बहुत अच्छा लगा है सबसे मिल के, सब डिग्नेटरी से, सबकी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच सर। आज हम यहाँ पे टोरंटो में जमा हुए हैं, जितने भी महकूम कौमें हैं पाकिस्तान की, जोग्राफी हैं पश्तून, बलोच, सरायकी, सिंधी, कश्मीरी, इवन पंजाब से भी यहाँ पे लोग आए थे। और इस इज्तिमा का मकसद यही था कि महकूम कौमों में यह एहसास जगाया जाए कि अगर उनको उस रियासत में बराबरी के हिसाब नुमाइंदगी नहीं दी जाती, उसको बराबर भाई नहीं समझा जाता, तो कौमों के साथ अक्वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स के जो चार्टर है उसके मुताबिक ये हक उसको हासिल है कि वो हक़ के खुद इरादियत मांगे, और ये हमारा कानूनी हक है, पैदाइशी हक है, और ये हमारा ह्यूमन राइट है। इसलिए हम जमा हुए थे कि लोग जो महकूम कौमें हैं यहाँ पर, उनके वसाइल, उनकी तालीम पर, उनकी कल्चर पे, उनकी ज़ुबान पे, उनकी डेवलपमेंट पे खर्च किया जाए, न कि एक सफ़ेद हाथी वहाँ पे बैठा के वो अपने मुल्क के सारे वसाइल को बारूद और बंदूक के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। कैसे पाकिस्तान जो एक शलवार के हजारबंद की तरह जुड़ा हुआ है, कौन काटेगा, तो वो आज लोगों ने थोड़ा रास्ता दिखाया कि सिंध जो है वो है माँ हिंद की, और उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उससे कोई रिश्ता है। उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की पंजाबियों ने, और माफ़ कीजिएगा महाजरों ने भी, और वो अब भी जिंदा और हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो राजा जाहिर जिंदाबाद और मोहम्मद बिन कासिम मुर्दाबाद।